विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन अभी तक जिलों में जो आरक्षण का जो मामला है, जो नियोजन नीति है और जो कुर्मी और कुर्मी को जो आरक्षण देने का मामला है वो स्पष्ट नहीं हुआ है। आजसू के विधायकों ने, लंबोदर महतो ने और सुनीता चौधरी ने, दोनों ने विधानसभा के मुख्य द्वार के समक्ष धरना दिया है और ये मांग की है कि कुर्मी और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो आरक्षण रोस्टर में जो कुछ जिले हैं जिनमें ओबीसी का नाम शामिल नहीं है, बिल्कुल शून्य माना गया है, उसे क्लियर किया जाए और नियोजन नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, उसकी घोषणा की जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा है आज के विधायकों ने। आरक्षण देने का विधेयक, उसके संदर्भ में सरकार को चिंता नहीं। इसके साथ ही अभी हाल में जो जिला स्तरीय पदों पर बहाली के लिए जो रोस्टर जारी किया आरक्षण का, उसमें 7 जिले झारखंड राज्य के ऐसे हैं जहां पर पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद पिछड़ी जातियों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। यूपी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम और दुमका, जहां पर काफ़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सीधी नियुक्ति में जिला स्तरीय बहाली में वहाँ पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण को शून्य कर दिया गया। इसी को लेकर हम लोग चाह रहे हैं सरकार के 3 जिलों में बजट सत्र का आरक्षण सुनिश्चित करें, जाति जनगणना करें और जिस तरह से कुर्मी पहले से आदिवासी में शामिल थे फिर से उनको आदिवासी में शामिल करने का काम उनको ये 7 जिलों में नहीं दिए आदिवासियों, खासकर रामगढ़ जिले में देखिए हमें 19% ओबीसी को मिला। मैं यही आग्रह करूंगी सरकार से कि 27% मिला।